हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, आज हमारा मैराथन का क्लास है। इस क्लास में हम लोग मैथ के सभी चैप्टर से एक दो प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए टेस्ट पेपर देने के लिए, और आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए। सारे क्वेश्चन आपको हल कर आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं आज। और दोस्तों, वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 14:17 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 17:20 होगा। शेखर की वर्तमान आयु क्या है? तो विशाल की वर्तमान आयु हम लोग 14x मान लेते हैं और शेखर की वर्तमान आयु 17x मान लेते हैं। अब से 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु 14x+6 हो जाएगी और शेखर की आयु 17x+6 हो जाएगी। तब इनकी आयु का अनुपात 17:20। तो अनुपात के लिए हम लोग 17/20 दिखा देते हैं। अब तिरछा गुणा करा ले तो 14 × 28 = 200x + 20 × 120 = 17 × 279x + 17 × 102। अब हम एक्स एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे तो 289x - 280x = 120 - 102। तो 9x = 18, 9 × 2 = 18, x = 2 आ गया। अब हम लोगों ने शेखर की वर्तमान आयु 17x मानी थी और विशाल की वर्तमान आयु 14x। तो 17 × 34 वर्ष के शेखर हैं और 14 × 28 वर्ष के विशाल हैं। अब क्वेश्चन शेखर की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ऑप्शन सी सही है, 34 वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको पहले एक बार समझा रखा है, चलिए मैं फिर आप लोगों को समझा देता हूँ। और ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में ग्रुप सी के पेपर में तो अधिक बार पूछे गए हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए, आप लोग ध्यान देकर ऐसे क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पहले किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, अब उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो पहले तो आप ये करिए, 192 को 16 से भाग दे दीजिए तो 192/16, 16 × 192। अब ये कट गया। अगर इसमें दोस्तों शेषफल बचता, जैसे यहाँ 193, 194 होता, दो शेषफल बचता, तो जो दो शेषफल बचता उसे इस शेषफल 54 से हम लोग गुणा करा देते, उसके बाद में फिर से 16 से भाग दिलाते। लेकिन यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, अब हम लोग 54 केवल बचा हमें। अब हम लोग 54 को एक बार 16 से भाग दे आएंगे तो 54/16, 16 × 3 = 48। अब यहाँ शेषफल 6 बचा, अब यही शेषफल जब 16 से भाग दिया जाएगा तब बचेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य करने की क्षमता रखता है, यदि किसी कार्य को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है, तब राम उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट कर दीजिए 53 का। चलिए, आप लोग 53 का राइट आंसर कर दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 9। अब आप जानते हैं कि 2x दुगना काम करते हैं और इनका ये x काम करते हैं, इनको घटा दें तो 9 दिन आता है, तो x बराबर 9 दिन में काम कर लेंगे। अब अगर राम मोहन की अपेक्षा दुगना कार्य करता है, तो अगर राम कार्य को 9 दिन में करता है तो मोहन 18 दिन में कार्य करता है। तो 9 दिन जब कम लेता है उसे, इसका मतलब वो 9 दिन के अंदर वो काम को समाप्त कर लेगा। यहाँ राम की पूछी गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है। दो संख्याओं का मासा 96 तथा उनका लासा 1296, एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, मासा गुणे लासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। अब यहाँ पर मासा आपको पता है 96, लासा 1296 बराबर एक संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी 864। तो x बराबर 96 × 1296 / 864। अब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका 144x का मान आ जाएगा, x बराबर 144। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, 54 का राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है। 1 सही 1/8 + 1 सही 6/7 + 3 सही 3/5।
चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर करिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप इनको कुछ लोग जैसे 3 से 3/5 को 5 3 15 और 3 18/5 लिखकर फिर सॉल्व करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप ये संख्या 1 3 1 4 1 5 को अलग जोड़ लीजिए 5, और इसको 1/8 प्लस 6/7 प्लस 3/5 इसका अलग लघुत्तम ले लीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ लीजिए। ये सबसे इजी ट्रिक है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा, बस आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा इसमें, पूरे का आप लोग बड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी जब आप इनका गुणा कराएंगे। जैसे यहाँ 3 से 3 3/5 मिला तो यहाँ पर मिलता 18/5, तो ये संख्या बड़ी हो जाती है, आपको ज़्यादा गुणा भाग कराना पड़ता, तो ये इजी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल किया करिए, काफ़ी कम समय में लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पर 20 सही है, 6 सही, 1 163/280। दोस्तों मैं ज़्यादा आज गुणा भाग नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है, मैं आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आज के डेट में देख लें ताकि आपको उसके जो फार्मूले हैं वो क्लियर हो जाएं, और अगर आप लोग गुणा भाग कर लेंगे, अगर मैं करता हूँ तो इसमें टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, और इसीलिए मैं मेरा केवल उद्देश्य ये है कि आप लोगों का सारे चैप्टर का फार्मूला क्लियर हो जाए और उसके जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपको हल करने हैं ताकि कम से कम समय में लग जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। -216,000 यानी 2,16,000 का घनमूल क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, -60। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रेकट फिर उसके बाद मझला ब्रेकट फिर छोटा ब्रेकट -1/3 की होल स्क्वायर की पावर -2 का पावर -1। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर कमेंट करिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आप लोग उत्तर करते रहिए। तो यहाँ पहले आप लोग जब इस ब्रेकेट को खोलेंगे तो -1 × -2 होगा, तो यहाँ पर आप -1 × -2 का गुणा आपको मिल जाएगा 2। उसके बाद जब इस ब्रेकेट को खोलेंगे तो 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, -1/3 की पावर 4 हो जाएगा। अब आप -1/3 × -1/3 × -1/3 × -1/3, अब ये 1 − 1 − से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इससे ये प्लस हो जाएगा। 3 3 का 9 3 27 थी 81, और 1 1 का 1 1 1 तो 1/81, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 540 / 180 / 2 / 0.01 बराबर है। दोस्तों बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने 2017 का 12 नंबर का पेपर देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चन के प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा टफ में मत बाजिए, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस सेट देखा है, जो पेपर आए हुए उन पेपरों को देखा है, तो उस पेपर के हिसाब से इसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी के हिसाब से मैं आपको टेस्ट पेपर करा रहा हूं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 150। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लिख दें 540/180 और उसके बाद में / 2 / 0.01 लिखे रहे आप ऐसे, फिर 18 3 54 3, फिर 3/2 लिख लीजिए और / 0.01। 3/2 का मतलब 1.5। अब 1.5 / 0.01 यानी 1.5/0.01। अब हम लोग इसे काटेंगे तो इधर 100 से गुणा हो जाएगा, और इस दशमलव काटेंगे नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, और ये जीरो कट जाएगा, और 15 ·150 उत्तर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग आगे से हल करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, और एक एक संख्या को भाग करते रहिए, और जो लास्ट में बचेगा वही आपका उत्तर। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 58 का, 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, एक वस्तु की लागत कीमत 390 है, यदि इसे 3.12% लाभ सहित बेचना है तो इसकी विक्रय कीमत लगभग कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 59 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो
तो दोस्तों 390 की लागत मूल है, 100% पर इसे खरीदा गया है, 3.12% इस पर लाभ लेना है, यानी 103.12% पर वस्तु को बेची। अब हम डायरेक्ट 390 गुणे 103.12% इसका निकाल लेंगे गुणे 100। कुछ लोग दोस्तों पहले 390 का 3.12% निकालते हैं, उसके बाद 390 से जोड़ते हैं, तो इसमें आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होता है। आप पहले एक बार गुणा करेंगे, उसके बाद 390 से जोड़ेंगे। आप डायरेक्ट 103.12 यानी जो लाभ हो उसे 100 में जोड़कर डायरेक्ट गुणा कराया करिए, आपका इससे थोड़ा समय बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 402। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि वाई का 90% एक्स का कितने पर यदि वाई का 90% यक्स है तो एक्स का कितने % वाई है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में ध्यान में दीजिए कि यहां बताया गया है कि वाई का 90% एक्स के बराबर है। अब हम लोग इस तरीके से लिख लें तो एक्स बराबर मिल जाएगा हमें 9y/10। आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो x बराबर 9y/10, ठीक है, x का मान 9y/10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा है x का कितने % y है। अब आप जानते हैं कि x का कितने % y है, तो y गुणे 100/x, x का कितने % y है। अब हम लोगों ने x का मान क्या निकाला, 9y/10, तो हम x के स्थान पर 9y/10 रख देते हैं। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा और इस वाई से ये वाई विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, तो 100 × 10 1000/9, यानी 1000/9 यानी 111.1% के बराबर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, गॉटे ले दीजिए, यस सर समझ में आ गया, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है, 6 छात्रों के अंक 18, 12, 15, 13, 11, 17 है, तो 7वें छात्र के अंक है। तो 7 छात्रों का अंकों का औसत 14 है, तो 14 × 7, पहले उनका योग निकाल लीजिए, 14 × 7, 7 × 4 = 28, 2 × 7 = 7, 2 = 9, इनका योग 98 है। उसके बाद 6 को आप जोड़ लीजिए, इनका योग जैसे 18, 12, 30, 30, 15, 45, 15, 45 और 13, 58, 58 और 11, 69, 69 और 17, 86, कितना आ गया, 69 और 17, 86, और इनका योग हम लोगों ने कितना निकाला था, 14 × 7 = 98। अब हम लोग 98 से 86 घटा देंगे तो कितना बचा, 12। अब यही 7वें छात्र का अंक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, 1600 का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोग आंसर करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो ये समय है, टाइम है, इसे 2 वर्ष को हम लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 या 4 × 8 9/4 लिख सकते हैं। अब आप लोग टाइम के स्थान पर 9/4 रख लीजिए, साधारण ब्याज है तो पूछ रहा है, तो x प्रतिशत मान लीजिए कि दर x है, टाइम 9/2 है, 9/4 है, और गुणे धन कितना है, 1600 और 100। अब 0 से 0 कट गया, 16 × 4 = 16 यहां पर काट दीजिए आप लोग, और यहां ब्याज कितना था, 252 ब्याज था, तो 252 और बराबर यहां कितना मिला था, 1600 × 9/4 × x/100, तो ये 0 0 कट गया, 4 × 16 और 9 × 36, 36x = 252 हमें मिल गया, 36x = 252, तो x = 252/36, 252/36, तो यहाँ 7 × 21 = 42, 36 × 7 = 52, x बराबर
7%, तो हमारा दर आ गया 7%। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से जो 2 वर्ष 3 माह, इसे आप लोग जान गए किस तरीके से लिखना है। 3 को 1/4 से लिख सकते हैं, 2 से 1/4, फिर 4 × 2 = 8, 9/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति किसी खंबे को पार करना होता है रेलगाड़ी को, तो वह अपनी दूरी को केवल तय करता है। यानी जैसे 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, तो उतनी ही उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, पहले आप लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 45 × 5/18, तो ये 225/18, ये रेलगाड़ी चाल आ गई। उसके बाद व्यक्ति की चाल 5 × 5/18 यानी 25/18, ये व्यक्ति की चाल आ गई। अब इनका विपरीत दिशा में लोग पैदल चल रहे हैं, तो इनका जो चाल है वो जुड़ जाएगी। तो 25/18 + 225/18, यानी अब 18 लघुत्तम मिल गया, 225 और 25, 250/18, अब ये चाल आ गई 250/18। अब आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो हमारे पास चाल है 250/18 और समय 18 सेकंड दिया गया, 18 18 कट गया, दूरी बराबर 250 मीटर। अब यही लंबाई हो गई रेलगाड़ी की 250 मीटर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी हैं और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। तदनुसार यदि कोण ए ओ सी बराबर 40° हो और ओ एक्स ओ वाई और कोण ए ओ सी के क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हो तो कोण बी ओ वाई कितना होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं मैराथन क्लास, मैंने कहा था सभी चैप्टर से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप देख रहे होंगे एक एक चैप्टर के, हर चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइव ज़्यादा लोग हैं, लाइक कम है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ सकें। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। बोल दी हो रही, तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ बताया गया था कि ए ओ बी जो है एक रेखाखंड में 3 बिंदु है। तो हम लोग पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, ये ए, ये ओ और ये बी, 3 रेखा बिंदु हो गए एक रेखाखंड में। उसके बाद क्या गया, और सी एक ऐसा बिंदु जो ए ओ बी पर नहीं है। तदनुसार यह कोण ए ओ सी 40° है। अब हम लोग एक ऐसी रेखा खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हम लोग रख देते हैं सी, ये हम लोग रख देते हैं इसे सी, ठीक है, और ये ए, ये ओ और बी, और ये कोण बता दिया गया 40°। और उसके बाद कहा गया हो और कोण ओ एक्स ओ वाई और ए ओ सी क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हैं। तो इसके लिए हमें ये दो रेखा और एक्स और वाई खींचना पड़ेगा, तब ये ओ एक्स और ये वाई ओ वाई। अब देखिए ओ एक्स ओ वाई और कोण ए ओ सी के क्रमशः आंतरिक बाह्य द्विभाजक हो गए यहाँ पर, और ये 40° हो गया। फिर क्या गया हो, तो बी कोण वी ओ वाई यानी कि कोण वी ओ वाई ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा ये वाला कोण, अब ये वाला आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का अब आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर करते रहिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जब ये 40 का है तो ये वाला जो कोण होगा ये बी ओ सी, ये वाला आप लोग ध्यान दीजिए, ये 180 - 40 होगा यानी कि ये 140 होगा। फिर इसका ये द्विभाजक है, क्वेश्चन बता दिया यानी 140 का ये आधा कोण होगा यानी 140/2, ये 70° का कोण होगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार आप लोग थम्सअप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो
दो की पावर 1.5, दो की पावर 1.5 भागे दो की पावर 0.5। अब हमें इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी दो की पावर 1.5 गुणे दो की पावर माइनस 0.5। अब ये हम दोनों जोड़ लेंगे तो दो की पावर 1.5 माइनस 0.5, अब ये घट जाएगा दो की पावर 1 बराबर 2। अब इसका मान क्या गया, ऊपर 2 और नीचे इसकी बटा 1 था, तो यहाँ बटा 1 यानी 2:1। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, 1 3 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी नाव एक झील में तैर रही है, जब एक आदमी उस पर सवार होता है तो नाव 1 सेंटीमीटर डूब जाती है, आदमी का भार होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन 66 नंबर का, आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें हम लोग पहले हटाए गए पानी का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ 3 मीटर लंबी यानी 300 सेंटीमीटर गुणे 2 मीटर चौड़ा यानी 200 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर डूब जाता है। एक हम लोगों ने सेंटीमीटर में इसलिए बदला क्योंकि नाव जो डूबी उसे सेंटीमीटर बताया गया और लंबाई मीटर में, तो हमने सेंटीमीटर में बदला। अब हटाए गए पानी का आयतन निकल आएगा 3 × 6 यानी 60,000, ये हटाए गए पानी का आयतन है 60,000 सेंटीमीटर। अब हमें इसे किलोग्राम में बदलना है यानी कितना भार है, तो हम इसे 1000 से भाग दे देंगे यानी 60,000 / 1000, तीनों जीरो कट गए, बराबर 60 किलोग्राम उस व्यक्ति के भार है। आप लोग फिर से ध्यान दे लीजिए कैसे बताना है आपको इसका आंसर, राइट आंसर बी है। पहले हटाए गए पानी का आयतन हम निकालेंगे, तो इसमें 1 सेंटीमीटर नाव डूबी लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी गई थी, हमने सेंटीमीटर में बदला, आप 300 × 200 × 1 किया तो 60,000 सेंटीमीटर आ गया। ये हटाए गए पानी का आयतन, उसके बाद हमें किलोग्राम में बताना है उसका भार जो है, तो हम लोग 1000 से भाग दे देंगे और 60 किलोग्राम उसका भार आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि ए और बी एक ऐसे समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है जिसका कर्ण 10 है और क्षेत्रफल 20 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन में कहा गया, यदि ए और बी एक ऐसा समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जिसका कर्ण 10 है और क्षेत्रफल 20 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान, तो हम लोग लंब a मान लेते हैं और जो आधार है उसे b मान लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 किया गया। उसके बाद बताया गया इसका क्षेत्रफल 20 है, तो क्षेत्रफल जो होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 × लंब × आधार यानी 1/2 × a × b यानी AB/2, ये उसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये जब क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल उसका 20 बताया गया, तो AB/2 = 20, तो AB = 40, AB का मान कितना 40 आ गया। और A+B² का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर A²+B² + 2AB। अब आप जानते हैं हमने A²+B² का मान 10 का स्क्वायर 100 निकाला था और AB का मान 40, तो A²+B² के स्थान पर 100 और +2AB के स्थान पर 2 × 40, तो 40 × 80 + 100 यानी 180। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। एक बार फिर से समझिए, ए और बी एक ऐसे समकोण थे जिसमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जिसके कर्ण 10 है, तो A²+B² = 100, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, फिर इनका क्षेत्रफल 1/2 × a × b, तो AB/2 और इनका क्षेत्रफल 20 दिया गया था, बराबर हमने लिखा AB = 40। अब A²+B² + 2AB ये किसका फार्मूला, A+B² इसका मान 100 आया, इसका मान 40 आया, 40 × 80 और 100 180, यानी क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ सीरीज थोड़ा
64 हो गया है। आप लोग, मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं का पीडीएफ बनाया है, तो आप लोग इससे घबराइएगा मत। ये 64 नंबर, हम लोग पुनः वही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:1 से 1/4 अनुपात 3:1/4 के अनुपात में है तो त्रिभुज कैसा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 64 का, ये कैसा त्रिभुज होगा? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहां बताया गया है कि 3:1 से 1/4, यानी कि 3:5/4 अनुपात 4 × 12 = 13/4। ठीक है, अब इनका हम लोग अनुपात अगर बनाएंगे बस, तो इसके हो जाएगा 12:5:13। ठीक है, इनके बराबर हो जाएगा 12, यानी ऊपर 4 से हम लोग गुणा करा देंगे सब में ये। ठीक है, तो ये 4 कट गया, 12:5:13। आप लोग ध्यान से समझिए, 12:5:13 हो गया। अब आप जानते हैं कि एक भुजा इनकी हम लोग मान लेते हैं 12x, 5x और 13x। फिर इसके बाद हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसमें कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो 12x² + 5x² = 13x². आप लोग ध्यान से समझते रहिए, 144x² + 25x² = 169x². अब 169x² = 169x², तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। 169x = 169x, दोनों तरफ बराबर आएगा, और पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है, यदि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के हैं, तो वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, 614 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल वाले एक प्रकार के चंदन पाउडर प्रकार ए की 35 किलोग्राम की मात्रा को 695 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल वाले एक अन्य प्रकार के चंदन पाउडर की कुछ मात्रा के साथ मिलाया गया। इस मिश्रण को 767 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% लाभ कमाया गया। इस मिश्रण में प्रकार बी के चंदन पाउडर की मात्रा क्या है? चलिए आप लोग ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बताया गया कि 614 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल वाले एक प्रकार के चंदन पाउडर हैं, उसमें 35 किलोग्राम की मात्रा को 695 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल वाले एक अन्य प्रकार के चंदन की कुछ मात्रा के साथ मिला दिया गया। फिर कह रहा है, यदि मिश्रण को 767 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% लाभ कमाया गया, तो पहले इनका आप वास्तविक मूल्य निकाल लीजिए, जो 767, इसमें 18% लाभ जुड़ा है, ये 118 के बराबर है। अब हम लोग 118 से इसको भाग दे देंगे और उसके बाद गुणे 100 कर लेंगे, तो ये इसका हमें लागत मूल पता चल जाएगा, तो इसे हम भाग देंगे, राइट इसका आ जाएगा 650। आप लोग इसको भाग देकर देख लीजिएगा, ये 650 आ जाएगा। अब हमें जो लागत मूल मिला मिश्रण का, वो हमें मिल गया 650। ठीक है, अब हमने आपको मिश्रण का नियम इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक चंदन है ए, जिसकी मात्रा कि 614 में, और एक है 695, और ये बनाए कितने में जाता है? 650। तो इससे कितना कम है? 45, और इससे कितना? ये 36, ये 36 ज़्यादा है इससे, यहाँ पर 45 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम 45 और 36 का अनुपात बना देंगे, बहुत अच्छी चीज़, आप लोग ध्यान देते जाइए, 45:36, 9×5 = 45, 9×4 = 36, कितना आया? 5:4 यहाँ आया। फिर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि इनका जो अनुपात बनाइए 5:4, आप लोग ध्यान से समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 5:4 मिला, लेकिन जो चीनी थी वो 35 किलोग्राम थी, एक 614 वाली, यानी कि 7×5 = 35, 7 से इसमें गुणा कराएंगे तब 35 होगा, तब ये हम लोग 35 इसको बराबर करेंगे, तो इधर भी 7 से गुणा कराने पड़ेगा, यानी 35:28। ठीक है, अब 35 किलोग्राम के साथ कितना मिला है? वो 28 किलोग्राम वो मिला है, यानी ऑप्शन बी सही है, 28 किलोग्राम। और जब 1 किलोग्राम के साथ पूछता तब हम लोग क्या उत्तर देते? 5 किलोग्राम, वो साथ जो वो 5:4 बना था, तब अगर 5 के साथ पूछता तब 4 आता, लेकिन यहाँ 35 किलोग्राम के साथ पूछा गया था तो 28 किलोग्राम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है,
5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणे 12.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर के आकार की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? चलिए 66 का आप लोग आंसर करिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ये इनका क्षेत्रफल 5 गुणे 3 और गुणे 20 सेंटीमीटर में यहाँ दे दिया गया है, तो आप 20/100 कर लीजिए। उसके बाद में ईंटों का जो क्षेत्रफल होगा उससे आप भाग दे दीजिए, यानी 12.5 × 7.5 और गुणे 25 आप लोग इससे भाग दे दीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए। 1280 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, 1280। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समभुजा की लंबाई ए इकाई है और तीसरी भुजा की लंबाई बी इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए 67 का आप लोग आंसर करिए राइट। यहां बताई गई है कि एक समभुजा की लंबाई ए इकाई है और तीसरी भुजा की लंबाई बी इकाई है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा वो हम निकाल सकते हैं, S बराबर ये जो हीरोन फार्मूला था, A एक मान लेते हैं, दूसरा A और एक क्या है B अपॉन 3, यानी 2A + B/3 ये हो जाएगा उसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं हीरोन फार्मूला √S(S-A)(S-B)(S-C)। चलिए आप लोग देख लीजिए हीरोन फार्मूला जो था S(S-A)(S-B)(S-C) ये हीरोन फार्मूला आ गया। और हम लोगों ने अर्ध परिमाप क्या निकाला, 2A + B/2 ये निकाला। उसके बाद में क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसमें S का जो मान आया था 2A + B इसे हम लोग रखेंगे और हल करेंगे, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, B/4 √4A² - B². तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया, B/4 √4A² - B². तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके बाद आपको 9:45 पर, यानी 9:30 हो रहे हैं, 9:45 पर आपकी इंग्लिश लाइव होगी। आप लोग 9:45 पर इंग्लिश लाइव जरूर आए, और इससे पहले आपका करंट अफेयर का मास्टर क्लास हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए 8:30 जिन लोगों ने ना देखा हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसमें हमने सारी चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन करा दिए हैं आपको।